मोमन खान की आकर लगा पिंड खबर मिली है, सूह मिली है, बागियां का अड्डा बनया है। बाबा तारू सिंह भावे कृति सिख है, अपनी मशक्कत की कमाई का बहुत वड्डा हिस्सा है वो बागियां रोटियां खाने में खर्च करता है। सानू तारू सिंह जिथे लुकया है साढ़े हवाले कर दौ, असी चुप चाप पिछे में पत्त जावे। अगर याद रखो बाबा तारू सिंह कूलिया वाला फड़िया ना गया तो वसदे हुए कूले पिंड पा के मिट्टी का तेल चिट्टे दिमाग का आवा बना दिता जाएगा। पिंड सड़न तो बचा है, इतों दिया बच्चों की पत्त सुरक्षित रखनी चाहते हो तो बाबा तारू सिंह साढ़े हवाले कर दौ। कहते साथ में बैठे हुए जिम्मेवार एक नेक दिल बंदा है जिहड़ा बाबा तारू सिंह कूलिया वाले के नाल अंतां दा प्रेम ते मुहब्बत रखता है। वो साथ विचों दौड़ के खेतों में हल आउंदे हुए बाबा तारू सिंह साहब नूं जाके मिलिया। बाबा तारू सिंह ने बल्द जोड़े हुए रसना ते सत नाम वाहिगुरु दा जाप है, सूरमा गुरबाणी पढ़ रहा है और हथी किरत कर रहा है। साडे धर्म दा सिद्धांत है किरत करो नाम जपो और वंड के छको। ये पूर्ण गुणा नूं तारण कीता महान सूरबीर बहादुर बाबा तारू सिंह कूलिया वाले क्या है सिख है। हल वाहुंदे हुए बाबा तारू सिंह नूं उन्हें फतेह बुला के आख्या तारू सिंह है अनेर साइन है मोमन खां ऐदिया अपने पिंड में उतरिया होया है, वो तेरी मंग करता है। जालमा ने तेरे ते जुल्म करना, तेरे जीवन का पापी अंत करेंगे। मैं तेनों रह दिना है कि तू दौड़ के अपनी जान बचा ले, जो कुछ बीतेगा वो पिंड वाले रब के भाने में प्रवान कर लेंगे। शहर कहता है एक सिख जाके खेत है, जिंदा तारू सिंह खेत है, थानेदार दे समेत है ने पुलिस वाले लभ दे, कोई सारे कुछ दस है प्यार सारे ते कस है, जा तू तारू सिंह का नस है पावा वास्ते में रब दे। कहिंदे तारू सिंह मोड़ के सुनाउंदा वीर नूं भज के बचाउंदा है झूठे की शरीर नूं, फिर भी ना जोबन जवानी सदा रहना वीर नाल, रेता दे बुरज ने तां टैणा वीर नाल। कहिंदा जान मेरी कल्ले दी भी करूं सुखी होए, मेरे पिछे हो गया जे पिंड दुखी होए, फिर भी अंत फड़ लैणा वीर नाल, रेता दे बुरज ने तां टैणा वीर नाल। तारू सिंह ने आख्या मित्रा तेरा धन्नवाद करदा है, मन विच हमदर्दी लैके तू मेरी जान बचाउण दी खातर मेरे कोल आया है, पर याद रख मैं भज के अपने प्राण बचा के अपने पिंड दे वासियां नूं दुखां दी भट्टी विच नहीं झोक सकदा। मर्द हाँ जो बिपता पई उन्हूं खिड़े मत्थे प्रवान करांगा, जालम दा जुल्म सह लांगा, पर दोषी लोग मेरी सजा प्रवान करने गल मैनू मंजूर नहीं। आया है बाबा तारू सिंह कूलिया वाला वापस सच विच है, उन्हें अपने आप नूं मोमन खां ऐदिए दे हवाले करके आख्या मैं तारू सिंह हाँ, मेरे ही डेरे में अड्डा बनया है जिथे गरीब गुरबान के प्रशादा पानी छक छड़दा है। मैं वितकरे तो बिना सेवा करता है, कोई अमीर आवे गरीब आवे, कोई मुसलमान आवे हिंदू आवे होर धर्म का संबंध रखने वाला आवे, हर बंदे नूं मैं अद्भुत सहित जीव आया के अपनी किरत कमाई मुशक्कत ना अनाज पैदा करके गरीबों का ढिड भरन वाला बंदा है। मैनू फड़ लिया जाए जे कसूर है उहदी सज़ा मैनू दित्ती जाए, मेरे पिंड वालियां नूं कुछ ना आख्या जाए। लै गया बाबा तारू सिंह नूं गिरफ्तार करके मोमन खां ऐदिया लाहौर, लगा बाबा तारू सिंह ते होण जुल्म है और उहदे तों मंग कीती जा रही है तारू सिंह दा जे तूं बचना है तेरे अगे इको रस्ता है। बाबा महताब सिंह मीरा कोटे जिहड़ा लगभग 4 साल तों मुगल सरकार दे पंजे विचों निकल के लुकिया होया है, वह जिथे भी है उन्हूं फड़ा दे, तेनू राज पाल दिता जाएगा, सुखदा जीवन गुजारेगा। अगर साडी गल नूं प्रवान ना कीता महताब सिंह ते असीं लभ लैणा है, तेनू भी जान तो हाथ धोने पैणगे। मर्द जुल्म सह रहा है पर बाबा महताब सिंह की बाबत एक भी गल तारू सिंह ने अपनी जबान विचों नहीं दसी। कहिंदे माझे की धरती का वासी जिहड़ा जानदा तारू सिंह फड़िया गया है, जिन्हें यह भी सुनया है कि बाबा नथा खहरा राय सिंह की राखी करता शहीद हो चुका है, ये दो खबरों को अपने दिल दब के माझे का वासी बाबा महताब सिंह की भाल में माझियों निकलिया है। लभ का वधाउंदा पंजाब दीआं हद्दां तों दूर गया जिथे बैठा बाबा महताब सिंह मीरा कोटे, बुलाई है जाके माझे तों जाण वाले सिख ने फतेह पाया गल विच पल्ला, आख्या महताब सिंह वढ के मसे का सिर तू इत्थे लुकिया बैठा है, पर याद रख माझे की धरती से तेरे मित्रों के घरां च तहर दीआं हनेरियां झुल रही है, तेरा पग वट यार नथा जालमा ने शहीद कर दिता है, दूजा लोहड़ा सरकार ने यह मारिया है, मां का कला कला पुत बाबा तारू सिंह कूला तेरे गुनाह महताब सिंह फड़िया गया है। ये दो खबरां बाबा महताब सिंह नूं एक प्रेमी सिख ने जाके जिवें दसियां त्यों बेनती की जा रही है। एक सिख ने फतेह बुलाई दी गल
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਕੋ ਨਾ ਹਾਰੂ।
तेरा पुत्र भाई मतार सिंह तारू सिंह कूला फड़िया गया तेरा पुत्र भाई मतार सिंह तारू सिंह कूला फड़िया गया असल मन दस रहा मतार सिंह हनेर साहिब तारू सिंह कूले वाला तेरे दोष विच है जालम जकरिया खान ने फौज चार के कूले पिंड की धरती तो गिरफ्तार कर लिया नशा खैरा मताप सिंह तेरा पानवट यार तेरे पुत्र राय सिंह की राखी करता हुआ शहीद हो गया नशे की कुर्बानी का जिक्र आप जी ने सुनिया है एक राय सिंह नु बचाने की खातर नशे चौधरी ने जिसे आपा वाया है उसे अपना पुत्र पिंड का गुरवाला सिख है और एक अपना काम चार जिंदा है राय सिंह की राखी का बिना मीरा को मकान में शहीद हुई है वो पांच जने सन पांच बचा कौन नथे चौधरी का सका भांजा है जब उन्हें देखा मेरा मामा और मामे का पुत कामा के पिंड का चौकीदार है राय सिंह को बचाने चार शहीद हो गए और राय सिंह भी बच नहीं सके उनकी ताऊ के जाल ने तलवार का ऐसा वार किया है वो मजलूम मकाने जाकर भी निकल नथे के भांजे ने सोचा है जिड़े राय सिंह को बचाने वास्ते कुर्बानी कर रहे हैं वो भी मैदानी जंग विरोधी ने वार ना सीधा होया डिग चुका है हूँ लड़ाई इस गल में है कि भज के अपने प्राण बचाने जा नथे का भांजा दौ के मैदानी जंग में अपनी जान बचा के अपने घर में पत गया दसन वाला दस रहा मताप सिंह है तेरी गैर हाजिरी च माझे की धरती से बहुत बड़िया बड़िया घटनावान वापर चुकी हैं जो केस करता है तारू सिंह कूला जिनकी उम्र है 25 साल जिनकी माँ ने उनका घर में ब्याह रखे है मित्रों फिर से हाथ रख के महसूस करने का जतन करना है पुत गबरू हो गए माँ ने रखा हुए पुत का घर में ब्याह है पर आवे चढ़ के मोगा का ढाना है ला के हथां हथ कड़िया पैरों बेड़िया लहाओ लै गए कि उस माँ के दिल से की बीतती है केवल एक माँ ही जान सकती है सिर्फ सुनी गया बाबा मताप सिंह ने इतिहास के पन्ने कहते अखा चलो उतर है मर्द मताप सिंह ने कम किया मस्से को वंडन को मारा है कई साल मैं माझे की धरती से जाके कदम नहीं रखे है जालमा ने जो तारू सिंह को गिरफ्तार किया है तो मैं मन में पन्न करता है अपनी गिरफ्तारी देकर बाबा तारू सिंह जरूर आजाद कराँगा पढ़ के देखो इतिहास के पन्ने मुगल सरकार की बहुत वही ताकत सी खान बहादुर जंगरिया खान फौजा चाड़ छड़िया मताप सिंह ना लग सके आखिर मताप सिंह फड़िया गया ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਜਾਂਗਾ ਲਾਗੂ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਨ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੀ ਵਾਪਰੇਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਰਾਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜੰਗੀ ਬਾਣ ਮਰਦ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ
अस्पताल का मुखबर है, उन्हें शिनाख्त की जरा बंदा गड्ढे से बनिया हुआ है, यद ना है मुताब सिंह, पिंड का मीरांकोट है। मैं जानना है यो बंदा है जिन्हें अपनी तलवार न पापी मसे का सिर वढ़िया है। जब एन तसली होगी इतिहास की खुशी में मुगल सिपाही झूम उठे और बाबा मुताब सिंह मीरांकोटी को लाहौर लै गए ने। जकरिया खान का दरबार लगा है, मर्द ने अपने सुभाव के अनुसार है खान बहादुर जकरिया खान की कचहरी में है। मर्द मुताब सिंह ने आख्या है खाना मैं धर्म तो डोलन वाला नहीं, केवल तेरी कचहरी में आके अपना पक्ष रखना चाहना है। मैं मसा वड़िया है, मेरा नाम मुताब सिंह है, पर मेरे गुनाह में तू तारू सिंह फड़िया है। मैं सिफारिश करता तारू सिंह दोषी है, उन्होंने छड़ दिता जाए, मेरी भावें पुठी कर लावे। जकरिया खान के सामने मर्द मुताब सिंह ने गाके मर्दा की तरह अपने जुल्म का इकबाल जिमें किया है क्यों पेश किया जा रहा है। जकरिया खाना मैं मसे का कातल है, मेरी भावें खान ला दे पर बाबा तारू सिंह का दोष कोई नहीं, उन्होंने सुतंत्र से आजाद किया। जकरिया खान ने आख्या मुताब सिंह मैं जानता मसा तू वड़िया तारू सिंह ने नहीं, पर तू ही कातल है, तारू सिंह ही कातल है। तारू सिंह ने पट्टी का मिर्जा इज्जत बेकतल किया, ना तेनू छड़िया जाएगा ना तारू सिंह छड़िया जाएगा। अगर मेरे कहर तू बचना चाहना कि मुताब सिंह का एको रास्ता मुसलमान बन जाए
सिखी शब्द राजपाल दिता जाएगा, शहजादियों के डोले दिए जाएंगे। अगर सिख धर्म रहने की गल की और सामने शाही काजी खड़ा है, शराब का फतवा ला के तुम्हें शहीद कर दिता जाए। मर्द मुताब सिंह ने आख्या नहीं डोलन, ना तू सिख जुल्म अगे पहला झुकया है कि ना मैं झुकना है, कलंकत नहीं करा, मां दे चुंगे हुए शीर को कुरबानी कर जावगा। आखिर शाही काजी कोल खड़ा लगा शराह का फतवा कि बाबा मुताब सिंह जी इन्नी मानता है एक लोहे का छन धरती में गड के मना मुई बालनों के दुआले सुन दिता जाए। बालनू लामू ला दौ लोहे का थम अग में तब तप के जो अग वर्गा लाल हो जाए। साड़ी शरह कहती है कि बाबा मुताब सिंह बनते हुए थम ना ला ला के साड़ दिता है। ईन मान लै वैद हकीम सदके का इलाज करा लो, अगर ईन नहीं मानता फिर मार मार के बैंक की खल उड़ा दौ फिर भी नहीं झुकता। तो साड़ी शरह कहती है कि बाबा मुताब सिंह चरखी पर चढ़ के शहीद कर। बाबा ताऊ सिंह की अखा के सामने बाबा मुताब सिंह जो सबक तो ना डोलिया धर्म नाम पिया गया चरखड़ी पर चाढ़ के जोड़ा फतवा लाया वो अनुसार जावन जकरिया खान ने बाबा मुताब सिंह मीरा कोटी में शहीद कर दिता है। समा ऐन समाप्त हो चुका है। सारी गुरु की संगत है तहत धनबाद करता है। मेरे तो मंगल रखाऊँ की मैं नाज शख्सियत ज्ञानी लखविंदर सिंह जी सोल साहब तकरीबन जिन्हिया भारतीय और संसार दिया वड्डिया चीजें उन्होंने उपर ज्ञानी लखविंदर सिंह सोल साहब हाजिर पा चुके हैं। बड़े गुणी मनुख ने मैं उन्होंने कदर करता है। साढ़े तो बाद उन्होंने साढ़े ना सांझे होना जीओ है कहना है। उन्होंने सारे जथे वालों माया के रूप में अपने वीरों को प्यार दे के नवाजा जाता है। सतगुरु हाजरी का प्रवान कर सा प्यारा वीर हरप्रीत सिंह कुरीशर वो वालों रैस कर रहे मंगलवार शाम डी डी पंजाबी को 16 तरीक में जोड़ा प्रोग्राम 8 बजे तो बाद प्ले किया जाएगा। अज आप इतिहास ही पाने 16 तरीक में रात 8 बजे तो बाद टैलीविजन के माध्यम राही आप सारे प्रोग्राम का आनंद अपने घर में बैठ के मानना। वीरता भी धनबाद सारी संघ साधु साहब जी आया धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज का कुटान कोल धनबाद करता है। फतेह साझी कर रहा है गज क्या वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।